टेन का नेक्स्ट क्वेश्चन, मैका लिमिटेड जो है एक रेप्यूटेड कंपनी है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, और उसको 10 करोड़ एडिशनल कैपिटल चाहिए अपना बिजनेस फैलाने के लिए। अतुल जलान जो है वो सीईओ ऑफ द कंपनी है और वो जो है इक्विटी द्वारा ही पैसा रेस करना चाहते हैं। वहीं पे फाइनेंस मैनेजर जो है निम्मी सहदेव वो कहते हैं कि पब्लिक इशू द्वारा जो है मतलब शेयर्स इशू कर दो, वो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा, क्योंकि हम जो है मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस नहीं बेयर करना चाहते हैं, हमें बहुत सारे कागज पत्र नहीं भरने हैं, ठीक है। सॉरी, शेयर्स निकालना हमें महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा आप लोन ले लो, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहिए, लोन भी नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो अतुल जलान है वो कहता है कि जो शेयर्स निकालोगे वो आम जनता को दो, वहीं पर निमी सहदेव कहती है कि जब हम आम जनता को शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें प्रोस्पेक्टस करने पड़ते हैं, हमें बहुत एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, वो सब फालतू का खर्चा होता है। तो आप एक काम करो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोलो कि पैसा डालेंगे। तो बताओ कौन से मेथड की बात कर रही है निमी सहदेव और अतुल जलान? अतुल जलान कौन से तरीके से बात कर रहे हैं पैसा इशू करने की, और निमी सहदेव कौन सा तरीका कह रही है? अतुल कह रहा है पब्लिक को इशू कर दो शेयर्स, पब्लिक जनता को डायरेक्ट इशू कर दो। वहीं पे निमी सहदेव कह रही है कि जनता को इशू करने में बहुत फालतू का खर्चा हो जाता है, आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोलो कि वो आपके शेयर्स उठा ले। ये वर्ड्स कहाँ पड़े थे? वो तो ब्रोकर्स होते हैं, बुक तो निकाल लो, बुक पेपर पेन। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे पहले है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट का क्वेश्चन है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इसका पहले वाला है जो अतुल जलान बोल रहा है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, पहले बताया था। क्वेश्चन टू आंसर, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। टेस्ट पे लाने वाली हूँ, ये आखिरी चैप्टर है, तो रिवाइज करवा करवा के टेस्ट पे डालूंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, चैप्टर की स्टार्टिंग में आ जाइएगा, चैप्टर की स्टार्टिंग में आ जाइएगा। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन अंडरलाइन करवाया था मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, जिसके द्वारा पैसा लगाया जाता है, जिन संस्थानों के द्वारा पैसा लगाया जाता है मार्केट में, उन्हें फाइनेंशियल, उस प्रोसेस को फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं। मिला नहीं मिला? स्टार्टिंग से 10वीं 12वीं लाइन में कहीं मिलेगा? किसी के साथ शेयर करो, उसके साथ बैठो। मिल गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तीसरा क्वेश्चन है नेम टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यूज फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड्स, आप अपना पैसा कहां पे लगा सकते हैं, ये भी स्टार्टिंग में मिलेगा। देर आर टू मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन वाया बैंक वाया फाइनेंशियल मार्केट। मिला? आप किन दो मुख्य द्वारा, दो मुख्य मैकेनिज्म्स के द्वारा मार्केट में पैसा लगा सकते हो? सबसे पहले है वाया बैंक्स, सेकंड है वाया फाइनेंशियल मार्केट। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 7th 8th लाइन, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, हाँ अंडरलाइन कर लेना। तुम्हें मिला तनिष्क? दिखाना कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के वाया बैंक वाया 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 कुछ लिखा होगा, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई आर ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं? टॉपिक खोले ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर सेकेंड आपका होगा ट्रेजरी बिल, सेकेंड या थर्ड जिसका जोन है। मिला ट्रेजरी बिल? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खोलो, उसके अंदर लिखा होगा थर्ड पॉइंट, ट्रेजरी बिल आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड सिंस दे डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, हाउएवर दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। मतलब कि इशू डिस्काउंट पे होते हैं, 25,000 की चीज आपकी 23,000 पे इशू हो जाएगी, और जब वापस करोगे तो पूरे 25,000 मिल जाएंगे, इसलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल? 25,000। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज? कमर्शियल पेपर पे आ जाना। पहली चार लाइनें, पहली दो या चार लाइनें इसका आंसर है। कमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी टू रेज शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट प्राइसेस। मिला कि नहीं मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कमर्शियल पेपर? 15 दिन से 1 ईयर। जिसकी अगली लाइन है, नेम द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज एज ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरिंग फॉर लार्ज कंपनी। बड़ी कंपनियां कहां से पैसा कर सकती हैं? एज इसका आंसर है आपको कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो नहीं है ना? कमर्शियल पेपर। इसका एक सेकंड बता रही हूँ, इसमें मैं वो लाइन देख रही हूँ, मुझे वो लाइन नहीं दिख रही है एज इट इज। क्वेश्चन है, वो कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो बड़ी कंपनीज बैंक के पास उधार लेने गई। बड़ी कंपनीज, बैंक ने ज्यादा रेट लगाया तो ये बड़ी कंपनीज ने क्या करा, बैंक से पैसा ना लेके आम जनता से ले लिया। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो होता है कमर्शियल पेपर ही। आंसर है कमर्शियल पेपर। मेरी बात करा दो, मैं कर देती हूँ। एक घंटे तक भेजेगा। फोन दे दो। नहीं फोन दे दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन उसके फोन में देख लेना, अपना फोन दो। कच कर दिया तुमने मुझे। आया फोन उठा लिया, रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं। आगे, विच मेथड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज डन बाय द बैंक टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो? बताओ, अपनी CRR मेंटेन करने के लिए कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करता है बैंक? कॉल मनी। वन मार्कर। क्वेश्चन 10 का ना? क्वेश्चन 11, सुप्रिया की दादी जो थी तबीयत खराब थी और उसने सुप्रिया को बुलाया और गिफ्ट दे दिया। सुप्रिया ने पैकेट खोला और उसके अंदर जो है शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए थे। उसकी दादी ने कहा कि तेरे दादा छोड़ के गए हैं, ठीक है। अब जो है ट्रेडिंग तो फिजिकल फॉर्म में होती नहीं, अब तो ये कागज कुगज होते नहीं है, तो इसको जो है ऑनलाइन तेरे पर डालना पड़ेगा। तो बताओ उस प्रोसेस को क्या करते हैं जब आप शेयर्स को ऑनलाइन फिजिकल फॉर्म में ना रखे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोसेस कर देते हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमटीरियलाइजेशन। मिला, ये आपको मिलेगा टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज पे आने पे। स्टॉक एक्सचेंज में बीच में कहीं मिलेगा डीमटेरियलाइजेशन, अंडरलाइन करवाया था। मिल गया तुम्हें? मिला करोड़पति बन गई होगी ये। अगला पार्ट इसका कट चुका है, नहीं पूछते हैं। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? इस पे आ जाना। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? इसका आंसर आप करेंगे डीमैट अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? मुझे डीमैट अकाउंट की डेफिनेशन ही नहीं मिल रही। डिपॉजिटरी
ये छोड़ दिए है ना, डिमटेरियलाइजेशन के अंदर का ही पार्ट था, अब नहीं पूछते हैं। ये रहने देना, ये इस बार का आपका नहीं है, ये पहले होता था। डीमैट अकाउंट इज अकाउंट जहाँ पे आप शेयर्स ही खरीद बेच करते हैं, बस होल्डिंग द शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर ऑपरेशनल इन इंडिया? टू डिपॉजिटरीज, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तो सिंगल एनडीएसएल। कार्ड नहीं, डीमैट अकाउंट हाँ होगा। फिर इसका पूछा गया है कि ये जो डिपॉजिटरीज हैं ये कैसे डील करते हैं आम जनता से। इसमें जब आप सीडीएसएल पढ़ लोगे उसके बाद ये लाइन लिखी है, बोथ दीज नेशनल लेवल डिपॉजिटरी ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियरीज हु आर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी एंड सर्विस कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द इन्वेस्टर्स एंड आर कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। मिला? ये है किसका नाम, 13 का है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का है। गुरुवंश तुम्हें मिल रहा है? 13 का ये NSDL और CDSL है। हाँ गुरुवंश आंसर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट सेटलमेंट सिस्टम डज द इक्विटी स्पॉट मार्केट फॉलो? इसको लिखना T+2, T+2 बेसिस। ये 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है सारी की सारी सेटलमेंट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन +2 डेज मोर। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर संजय नेहरा जो है तरल बैंक के चेयरमैन है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा था, मार्केट प्राइस जो है मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर्स हाई जा रहे थे, बैंक जो है वीना बैंक को टेक ओवर करने वाला था। मिस्टर संजय नेहरा को ये बात पता कि उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया सुधीर को और बोला कि 5 करोड़ के शेयर ले ले। जैसे ही तरन बैंक ने वीना बैंक को टेक ओवर करा, तरन बैंक के शेयर्स के प्राइस बढ़ गए, वो 5 करोड़ के शेयर अब 7 करोड़ के हो गए, 2 करोड़ का फायदा हो गया। संजय नेहरा ने 1 करोड़ रख लिया और उनके दोस्त सुधीर ने भी 1 करोड़ रख लिया। सेबी ने इस बात की खबर करी और उनको पता चल गया और उन्होंने संजय नेहरा पे हैवी पेनल्टी लगाई। बताओ कौन से दो फंक्शन सेबी ने करे? प्रोडक्टिव फंक्शन डेवलपमेंट डेवलप रेगुलेटरी। नहीं, रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव उसमें जो है इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह रोकी थी और रेगुलेटरी के अंदर जो है कॉलिंग फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करी थी रेगुलेटरी में, इंस्पेक्शन दिया रहा था। 17 क्वेश्चन, सेबी के फुल फॉर्म पूछिए, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट स्टॉक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी? ये आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ये लिख लेना, ठीक है। टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस। फिर अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटेक्टिव आपको फंक्शन लिखने हैं, लिख देना। उससे अगला क्वेश्चन है, दो रेगुलेटरी फंक्शन पूछे हैं, वो लिख देना। उससे अगला क्वेश्चन है, दो डेवलपमेंटल फंक्शन पूछे हैं, वो लिख देना। मिला नहीं मिला? ठीक है, 22 और 21st क्वेश्चन सेम है, दोनों में डेवलपमेंटल फंक्शन पूछे गए हैं। 23 क्वेश्चन, चैप्टर की स्टार्टिंग में एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उठा लो, पहली 2 लाइन है। अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म बाय मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम, इट परफॉर्म्स अ एलोकेटिव फंक्शन। क्या लाइन थी? मुझे बड़ा दिख गया यहाँ से, मुझे गिर गया। क्वेश्चन 24, हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? ये आपको अगला टॉपिक होगा जो आपने अभी मार्क करा, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, उसमें सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी।
आपकी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और उसी का सेकंड टॉपिक का सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, वो मार्क कर लेना, उसमें ये पूछा गया। कंटिन्यू, डेवलपमेंटल फंक्शन पूछ लिए थे, एलोकेटिव फंक्शन हो गए, प्राइस डिस्कवरी हो गया, 25वां क्वेश्चन। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द प्राइस सिक्योरिटीज मार्केट, इट क्रिएट्स कंटिन्यूअस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, इट गिव इन्वेस्टर द चांसेस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है रेगुलेटर का काम करता है शेयर बाजार में, ठीक है, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, डिसइन्वेस्ट कर सकते हो, रीइन्वेस्ट कर सकते हो। कीरत क्या कर रहा है? थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और रीइन्वेस्टमेंट सेविंग्स लोगों की बढ़ती है, मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यू में लगती है, उसके बाद लोगों को सेफ और फेयर डील मिल जाती है मार्केट में, जो मेंबरशिप है स्टॉक एक्सचेंज की वेल रेगुलेटेड रहती है और लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार चलती है, और इसमें जो है लोगों को शेयर्स खरीदने की ओनरशिप की बेटर वो मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, लोगों को ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बेटर होती हैं, आम जनता को एजुकेशन मिलती है। इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात हुई है, सारे फंक्शंस बता दो कौन कौन से हैं, अंडरलाइन कर करके आपको फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और आपके प्रोटेक्टिव तीनों फंक्शन हुई है। सबसे पहली लाइन है इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट जहाँ पे आप खरीद बेच सकते हो। 25th क्वेश्चन की पहली लाइन है, ये आपको एक कंटिन्यूअस मार्केट देता है जहाँ पे आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये लाइन कहीं पे लिखी हुई है फंक्शंस में? देखो फंक्शंस ऑफ सेबी, पहली बार पहली लाइन है कि आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो, ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई, बट ये रेगुलेटरी के अंदर ही आ जाएगी। दूसरी लाइन है टू मेक श्योर इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट, सेफ रहें, फेयर रहें, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसी के नीचे लास्ट में भी लिखा हुआ प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस। फेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, नए इश्यूज को, नए शेयर्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को मेक श्योर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा नए शेयर्स का आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, सेकेंड फिर है आम जनता को वो बताते हैं, ये आपका आ जाएगा कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूज फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसी में से पॉइंटर्स आपको लिखते हैं, और एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर भी आपका जो है डेवलपमेंटल फंक्शन कोई भी लिख देना। देन 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन कट कर दो चैप्टर 9 का। क्वेश्चन 27 चैप्टर 9, क्वेश्चन 28 ये इस बार के सैंपल पेपर का है क्वेश्चन, सुनो मैंने फोटो भेजी है, फोटो के अंदर है। ठीक है, 28th क्वेश्चन, राघव का फ्रेंड रमन है, सीए की तरह काम करता है, सीए इन सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी में। रमन इन अ मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नो दैट फर्म वुड सून बी डिक्लेयरिंग बोनस इशू विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ शेयर। तो राघव रमन को पता चला है कि उसकी कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, बोनस इशू करने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट में उसके शेयरों का प्राइस बढ़ने वाला है। कंसिडरिंग दिस रमन ने राघव को बोला कि तू शेयर्स खरीद ले और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। सेबी को ये खबर मिल गई, अब बताओ ये कौन से फंक्शन में जाएगा, प्रोटेक्टिव में, रेगुलेटरी में, डेवलपमेंट में, सब में? राघव एक कंपनी में काम करता है, रमन भी एक कंपनी में काम करता है, रमन को पता चल गया कि उसकी कंपनी का बोनस बांट रही है तगड़ा, जिसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। उसने फटाफट अपने दोस्त को फोन करा और कहा कि मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, इसके रेट बढ़ने वाले हैं मार्केट में और जो भी प्रॉफिट होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। सेबी को खबर पता चल गई कि ऐसे ऐसे ड्रामा हुआ है, तो बताओ ये कौन सा फंक्शन सेबी ने करा? बस ऑल ऑफ द अबव। कन्या
एक ब्यूटी प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनी है और ये मेंस ग्रूमिंग की उसमें है, जैसे मैन शेविंग कंपनी नहीं आती, बियर्ड कंपनी कौन सी है। इट ऑल्सो टैपिंग द डिमांड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट इन फैशन इंडस्ट्री एंड एडमिट प्रोफेशनल सच मेकअप आर्टिस्ट एज अ डाइवर्सिफाइड ऑनलाइन प्रेजेंस करनी है, ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट्स फिजिकल प्रेजेंस। दे हैव 41 आउटलेट, इस कंपनी के 14 ब्रांचेस हैं 18 शहरों के अंदर और 180 आउटलेट खोलने वाले हैं और हर आउटलेट के अंदर 60 से 80 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। द कंपनी ने डिसाइड किया कि वो फंड्स इशू करेंगे बाय इक्विटी इशूइंग इक्विटी शेयर्स, वो शेयर्स निकाल के पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, बट ये आम जनता को नहीं देंगे, ये ब्रोकर्स को देंगे। तो बताओ कौन से मेथड की बात हो रही है और इसके अलावा कौन कौन से मेथड होते हैं बता दो। आप शेयर्स मार्केट में कैसे कैसे निकाल सकते हो, ये कौन सा मेथड बता रही है? ये कह रही है मैं ब्रोकर को दूंगी, जब मैं ब्रोकर के द्वारा शेयर्स बिकवाती हूँ तो उसे क्या कहते हैं? मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द मार्केट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। जब आप दलाल के थ्रू शेयर्स बिकवाते हो, आम जनता को डायरेक्टली ना देके दलाल के थ्रू देते हो, उसे क्या कहते हैं? मिला ये टॉपिक? मिला मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट? हाँ, न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट मिल गया। इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, जब आप दलाल के थ्रू ब्रोकर के थ्रू शेयर्स बिकवाते हो उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। उन्होंने उसके अलावा भी पांचों चारों पूछ लिए, उसके अलावा जो उनसे होते हैं वो भी बता दो, एक तरह से पूरा आंसर पूछ लिया इन्होंने सारे मेथड्स। वो राइट इशू होता है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहते हैं कि पहला हक आपका फिर बाद में दूसरे का। ऑफर फॉर सेल, राधिका को 10 लाख रुपए मिले आफ्टर सेलिंग द हर पेरेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है? वो प्रॉपर्टी उसके ग्रैंड मदर से मिली थी, उसकी फ्रेंड ने कहा कि इसको शेयर बाजार में लगा दे पैसा, ठीक है? राधिका को ये तरीका नहीं पता था कि भाई क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, तो उसकी फ्रेंड ने उसको एक स्टॉक ब्रोकर से मिलाया जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड था। राधिका ने ब्रोकर के पास गई, ब्रोकर ने उसको डीमैट अकाउंट खोलने को बोला डिपॉजिटरी के साथ एज वेल एज बैंक अकाउंट के साथ। राधिका ने बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल दिया एक्सिम बैंक के साथ। बताओ क्या क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं वो कर लिए गए हैं? ट्रेडिंग प्रोसीजर के कौन कौन से स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और उसके अलावा कौन से चार स्टेप्स होते हैं वो बताने हैं। तो इसमें टॉपिक पे आ जाना सीधा, स्टेप्स इन फॉर ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर पूछा गया है स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, ये वही है वर्किंग ऑन द डीमैट सिस्टम पे आ जाना, ठीक है? तो पहला स्टेप हो गया है जिसमें आपने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर को चुन लिया है, ठीक है? दूसरा आपने जो है फॉर्म देके अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। अब उसके बाद के 8 स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं, आपको अगले 4 स्टेप्स लिखने हैं, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसके 4 पार्ट है, 31 क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इस बार जो सैम्पल पेपर आया उसके अंदर है, ठीक है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खतरनाक है, सुनना। सैम्पल पेपर में दिया है, हो सकता है आपको स्कूल के पेपर्स में, हो सकता है प्री बोर्ड में, बोर्ड्स में भी एक आधा क्वेश्चन। 5 मिनट की वीडियो बनकर रुक जाती है। तो इन्होंने जो है 1500 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लिए, वो राइट इशू होता है। 4500 करोड़ जो है इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए प्राइवेट प्लेसमेंट, 6000 करोड़ उन्होंने इशूइंग हाउस से दिए वो ऑफर फॉर सेल ब्रोकर के थ्रू, एंड बाकी 8000 जो इन्होंने ऑनलाइन भेजे जिसको EIPO कहते हैं। इन्होंने जो सा मेथड नहीं अपनाया वो था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले का तो ये मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है उनका बी पार्ट, 4500 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा रेज किए गए हैं, बताओ ये कौन सा मेथड ऑफ रोटेशन होता है 4500 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? तीसरा, इसका क्या प्रमुख कारण है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोला कि आप हमसे जो है ये शेयर्स मोटे मोटे लॉट में खरीदो, इसका क्या मुख्य कारण होगा? इसका मुख्य कारण है इट हेल्प्स टू रेज फंड क्विकली, फटाफट आपके मोटे मोटे शेयर्स उठ जाते हैं। डी पार्ट, EIPO द्वारा ऑनलाइन द्वारा कितने शेयर्स बेचे गए हैं? 8000 करोड़।
कर पाओगे ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया तो? ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या? 4500 करोड़, थोड़ा सा कम रेट में। जैसे 4500 करोड़ हो सकता है कि आपको पर शेयर 10-10 रुपया कम कर दिया हो। जैसे 4500 करोड़ है तो 4400 करोड़ में, हाँ, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 4500 करोड़ जो है। अच्छा नहीं, ये जो 4500 करोड़ है ना, ये बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियां खरीद लेती हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ने लोटस इंस्टीट्यूट के शेयर्स खरीद लिए इस तरह से। अगला है डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी, पूछा गया है वही लिख लेना डेवलपमेंटल फंक्शन। और उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूछी गई है, वही कॉल मनी, ठीक है, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, वो कर लेना। ओवर। इसके साथ चैप्टर नंबर 10 खत्म। मिला ये टॉपिक? मिला मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। हाँ, न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट मिल गया। इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जब आप दलाल के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू शेयर्स बिकवाते हो, उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। उन्होंने उसके अलावा भी पांचों चारों पूछ लिए, उसके अलावा जो उनसे वो भी बता दो। एक तरह से पूरा आंसर पूछ लिया इन्होंने सारे मेथड्स। वो राइट इशू होता है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहते हैं कि पहला हक आपका, फिर बाद में दूसरे को। ऑफर फॉर सेल। राधिका को 10 लाख रुपए मिले आफ्टर सेलिंग द हर पेरेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी उसके ग्रैंड मदर से मिली थी। उसके फ्रेंड ने कहा कि इसको शेयर बाजार में लगा दे पैसा, ठीक है। राधिका को ये तरीका नहीं पता था कि भाई क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, तो उसकी फ्रेंड ने उसको एक स्टॉक ब्रोकर से मिलाया जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड था। राधिका ने ब्रोकर के पास गई, ब्रोकर ने उसको डीमैट अकाउंट खोलने को बोला डिपॉजिटरी के साथ एज वेल एज बैंक अकाउंट के साथ। राधिका ने बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल दिया एक्सिम बैंक के साथ। बताओ क्या क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं वो कर लिए गए हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर के कौन कौन से स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, और उसके अलावा कौन से चार स्टेप्स होते हैं वो बताने हैं। तो इसमें टॉपिक पे आ जाना सीधा, स्टेप्स इन ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर पूछा गया है स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, ये वही है वर्किंग ऑन द डीमैट सिस्टम पे आ जाना, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया है जिसमें आपने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर को चुन लिया है, ठीक है। दूसरा आपने जो है फॉर्म देके अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। अब उसके बाद के 8 स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं, आपको अगले 4 स्टेप्स लिखने हैं। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसके 4 पार्ट हैं। 31 क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इस बार जो सैम्पल पेपर आया उसके अंदर है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खतरनाक है, सुनना। सैम्पल पेपर में दिया है, हो सकता है आपको